क्लास 12 खेलों में योजना शारीरिक शिक्षा। आज हम फिक्चर्स बनाने की विधि जानेंगे। सबसे पहले नॉकआउट के आधार पर फिक्चर्स तैयार करने की विधि। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए आवश्यक बिंदु क्या क्या होने चाहिए। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्चर्स तैयार करना एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। फिक्चर्स तैयार करते हुए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों की कुल संख्या कितनी है, बाईज की कुल संख्या कितनी है, प्रत्येक अर्ध में या क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी है, प्रत्येक अर्ध या क्वार्टर में दी जाने वाली बाई की संख्या कितनी है, कितने राउंड हो रहे हैं यानी राउंड की संख्या कितनी है, और कुल मैचों की संख्या कितनी है। बाईज देने के लिए जब टीमें दो की पावर में नहीं होती हैं तो बाईज का प्रयोग किया जाता है। बाईज को एक डमी टीम के रूप में मान लिया जाता है और जिस टीम को बाईज मिलता है वो फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलती। नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्चर्स तैयार करने की विधि। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या की गणना टीमों की कुल संख्या में से एक घटाने के द्वारा की जा सकती है, अर्थात जो फार्मूला लगता है मैच की संख्या निकालने के लिए वो है n-1। n अप अर्थात नंबर ऑफ टीम यानी कुल टीमों की संख्या। उदाहरण के लिए यदि एक टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल मैच होंगे 8-1 सात मैच होंगे। ये टीमें दो अर्धों में बांटी जाएंगी, दो ग्रुप में बांट दिया जाता है टीम को। अगर टीमें दो से डिवाइड हैं तो सीधे n/2 का फार्मूला लगता है। अगर टीम विषम है यानी 9 है 11 हैं तो फर्स्ट अपर हाफ के लिए यानी अपर हाफ और लोअर हाफ दो ग्रुप में जो हम टीम बांटते हैं ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध में, तो ऊपरी अर्ध के लिए फार्मूला लगता है n+1/2 और निम्न अर्ध के लिए फार्मूला लगता है n-1/2। दो की पावर में जब टीम नहीं रहती है तो बाई दी जाती है। जैसे 10 टीम है दो की पावर में नहीं है तो बाई दी जाएगी। दो की पावर बाई देने का जो प्रक्रिया है वो दो की पावर की उच्चतम संख्या माइनस कुल टीमों की संख्या का अंतर, ये बाई देने का फार्मूला है। सबसे पहले दो ग्रुप में टीम को बांट दिया जाता है, फिर कितने राउंड होते हैं तो जितने दो के पावर बनते हैं उतने ही हमारे राउंड होंगे। जैसे किसी टीम में 10 टीम भाग ले रही है तो दो की उच्चतम पावर 16 हो रहा है यानी 2×2×2×2, इस तरह से दो के चार पावर हो रहे हैं तो चार राउंड बनेंगे। उन टीमों को जिन्हें बाई दी जाती है वे प्रथम राउंड में नहीं खेलते, बाईज प्रथम राउंड में ही दी जाती है, जिसके द्वारा बाद वाले राउंड में खेलने वाली टीम दो की पावर में आ जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम एक बार मैच हार जाती है वह टूर्नामेंट से स्वतः ही बाहर हो जाती है। इसीलिए बाहर होने के बाद जो टीम हार के बाहर हो जाती है तो बाकी की जो टीम होती है वो दो के पावर में आ जाती है। इस प्रकार फिक्चर्स हमारा सेट होता है। उदाहरण के लिए यदि एक टूर्नामेंट में 15 टीमें भाग ले रही हों तो कितनी बाई दी जाएगी। कुल टीमों की संख्या है 15, दो की पावर की उच्चतम संख्या यहाँ पे 16 हो रही है, 2×2×2×2 अर्थात दो के चार पावर बन रहे हैं, तो इस तरह से 16 टीम हो रही है, तो इस तरह से एक बाई दी जाएगी। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, अगर 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल टीमों की संख्या 19 है तो दो की पावर की अगली उच्चतम संख्या जो हो रही है वो हो रही है 32 यानी 32। तो अंतर निकालने के लिए, बाई निकालने के लिए ऊपरी दो की पावर की उच्चतम संख्या माइनस कुल टीमों की संख्या का अंतर, तो दो की उच्चतम जो पावर संख्या है वो है 32 माइनस कुल टीम है 19, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा यानी 32 में से 19 अगर हम माइनस करेंगे तो 13 आएगा। इस प्रकार से मैच में जो बाई दी जाएगी वो 13 बाई दी जाएगी। 13 बाई देने के बाद ये 13 टीमें फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलेंगी। फर्स्ट राउंड में ये जब मैच नहीं खेलेंगी तो सेकेंड राउंड में जो हम टीम बनेगी वो दो की पावर में स्वतः ही आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा फिक्चर सेट होगा।
क्लास 12 शारीरिक शिक्षा। आज हम नॉकआउट के आधार पे 18 टीमों का फिक्सेस बनाना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम टीम को दो ग्रुप में बांटेंगे, ऊपरी अर्थ और निम्न अर्थ, अर्थात अपर हाफ और लोअर हाफ। इस बांटने के लिए ऊपरी अर्थ में कुल टीमों की संख्या 2 ये चूंकि सम टीम है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ फार्मूला लगेगा n/2। n अर्थात नंबर ऑफ टीम, यानी कुल टीमों की संख्या बटे 2। कुल टीम है आपकी 12/2, 6 टीम। इस तरह से ऊपरी अर्थ में 6 टीम, निम्न अर्ध में भी बांटेंगे इसको, निम्न अर्ध में कुल टीमों की संख्या, क्योंकि ये सम टीम है तो यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा, n/2 इस तरह से दो ग्रुप में हमारी टीम बढ़ गई, 6-6 के दो ग्रुप में। यहाँ हम ऊपरी अर्ध लिख देंगे, और यहाँ निम्न अर्ध लिख देंगे। ये टीम हमारी 2 की पावर में नहीं है, तो इसे 2 की पावर में लाने के लिए हम बाई देते हैं। बाई का फार्मूला बाई की कुल संख्या दो की पावर की उच्चतम संख्या यानी अगली संख्या माइनस कुल टीमों की संख्या का अंतर। तो 2 की पावर हम देख लेंगे यहीं पे, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 × 16 16 2 की पावर में 12 आ रहा है, तो इसलिए अगली जो पावर की संख्या होगी वो 16 होगी। बाई की कुल संख्या बराबर 16 माइनस कुल टीमों की संख्या, कुल टीम है 12, तो इस तरह से 4 बाई दी जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे बाई की कुल संख्या बराबर 2 की पावर की उच्चतम संख्या माइनस कुल टीम की संख्या का अंतर। इस तरह से ये 4 बाई। अब ऊपरी अर्ध में हमें कितनी बाई देनी है और निम्न अर्ध में कितनी बाई देनी है, ऊपरी अर्ध में बाई की कुल संख्या एनबी का अर्थ होता है नंबर ऑफ बाई, क्योंकि ये सम बाई देनी है, 4 ही बाई हमें देनी है, तो फार्मूला लगेगा nb/2। तो ऊपरी अर्ध में हमें 2 बाई देनी है। अब निम्न अर्ध में बाई की संख्या यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा nb/2 2 बाई। राउंड की संख्या कितने राउंड होंगे मैच, तो जितने हमारे 2 के पावर बनते हैं यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4, तो इस 4 राउंड होंगे। मैच की संख्या का फार्मूला है n-1, n अर्थात नंबर ऑफ टीम, तो कुल टीम है 12, तो मैच की संख्या होगी 12-1, 11 मैच आपके होंगे। अब सबसे पहले हमें बाई सेट करना है। सबसे जो पहली बाई दी जाएगी वो निम्न अर्थ के सबसे नीचे वाली टीम को दी जाएगी, दूसरी बाई जो दी जाएगी ऊपरी अर्थ के सबसे ऊपर की टीम को दी जाएगी। बाई का जो क्रम होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर फिर एक ऊपर एक नीचे, थर्ड बाई जो दी जाएगी निम्न अर्ध के ऊपरी टीम को दी जाएगी।
और फोर्थ बाई जो दी जाएगी ऊपरी अर्थ के सबसे नीचे की टीम को दी जाएगी। इस तरह से चार बाई सेट हो गए हमारे। अब ये हमारे दो के पावर में आ जाएंगे। अगर हमें सपोज करिए पांचवा बाई दी जानी होती तब हम कहाँ से फिर से नीचे से शुरू करते हैं अर्थ के सबसे नीचे की टीम को। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड सेट हो गया। फर्स्ट राउंड में जिस टीम को बाई दी गई है वो फर्स्ट राउंड का मैच नहीं खेलेगी। तो फर्स्ट राउंड के मैच में दो नंबर और तीन नंबर की टीम मैच खेली। सपोज करिए कि इसमें दो नंबर की टीम जीत गई। तीन नंबर की टीम नॉकआउट का विशेषता है कि जो टीम हार जाती है टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तीन नंबर की टीम बाहर हो गई। चार पाँच में मैच हुआ तो पाँच नंबर की टीम जीती, चार नंबर की टीम स्वतः ही बाहर हो जाएगी। आठ नंबर और नौ नंबर में मैच हुआ, नौ नंबर की टीम जीत गई। दस और ग्यारह में मैच हुआ तो सपोज करिए ग्यारह नंबर की टीम जीत गई। ये फर्स्ट राउंड हमारा सेट हो गया। अब हम राउंड सेकेंड यानी राउंड टू। अब इसमें जिस टीम को बाई मिला है ये भी मैच खेलेगी। तो सेकेंड राउंड में एक नंबर की टीम दो नंबर की टीम से खेलेगी क्योंकि दो नंबर विजेता टीम है। इसमें सपोज करिए एक नंबर की टीम जीत गई। पाँच नंबर की टीम छः नंबर की टीम से मैच खेलेगी, छः नंबर की टीम मान लीजिए जीत गई। सात नंबर की टीम नौ नंबर की टीम से खेली है, सात नंबर मान लीजिए जीत गई। और ये ग्यारह नंबर की टीम बाई बारह नंबर की टीम से खेल रही है तो ये सपोज करिए बारह नंबर की टीम जीत गई। ये राउंड हमारा सेकेंड हो गया। अब राउंड थर्ड अर्थात सेमीफाइनल। सेमीफाइनल एक नंबर और छः नंबर की टीम के साथ हुआ। एक नंबर की टीम जीत गई, सात नंबर और बारह नंबर की टीम के साथ हुआ तो सात नंबर इसमें जीत गई। फाइनल में हमारी एक नंबर और सात नंबर की टीम पहुंची। एक नंबर और सात नंबर में हम मैच कराए, एक नंबर की टीम मान लीजिए जीत गई तो यहाँ पे हम विजेता लिख देंगे। इस तरह से हमारे ये फिक्सर्स 12 टीम का सेट हो गया। मैच की संख्या हम गिन सकते हैं एक दो तीन चार। फर्स्ट राउंड में चार मैच हुए हैं, सेकेंड राउंड में एक दो तीन चार, सेकेंड राउंड में भी चार मैच हुए हैं तो इस तरह से चार चार आठ। और थर्ड राउंड में दो मैच हुए हैं एक दो दस। और ये है हमारा फोर्थ राउंड जो फाइनल का राउंड है जिसमें एक मैच हुआ है एक नंबर सात नंबर के साथ। तो इस तरह से हमारे ये 11 मैच हुए कुल। अब इसे हम आठ नंबर में देख लेंगे यानी अगर 11 टीम हो तब हमारा फिक्सर्स कैसा सेट होगा। टीम 11 हो तब हमारे फिक्सर्स किस प्रकार बनेगा एक बार देख लेंगे इसको। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध के दो रूप में बांटेंगे लेकिन यहाँ पे फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। ऊपरी अर्ध में टीम की संख्या बांटने के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो है n प्लस 1 अपॉन 2 यानी कुल टीमों की संख्या में एक प्लस करके और दो से डिवाइड कर देंगे तो कुल टीम है हमारी 11 प्लस 1 अपॉन 2 तो ऊपरी अर्ध में कुल टीम हो गई 6। निम्न अर्ध में कुल टीम की संख्या के लिए फार्मूला अप्लाई होगा उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे n प्लस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। n अर्थात नंबर ऑफ टीम 11 माइनस 1 अपॉन 2। निम्न अर्ध में पांच टीम हो जाएगी। देख सकते हैं दो ग्रुप में हमारी टीम बच गई 1 2 3 4 5 6। ऊपरी अर्ध में 6 टीम। दो के पावर की उच्चतम संख्या माइनस कुल टीमों की संख्या का अंतर। दो की पावर की उच्चतम संख्या यहां पे 16 होगा, 11 टीम है माइनस कर देंगे तो इस तरह से पांच बाई होगा। नंबर ऑफ बाई जो निकल के आएगा वो 5 होगा। अब हमें ऊपरी अर्थ में कितनी बाई देनी है, निम्न अर्थ में कितनी बाई देनी है। ऊपरी अर्थ में बाई की संख्या
यहाँ फार्मूला चेंज होगा, ऊपरी अर्ध के लिए एम बी माइनस वन अपॉन टू, नंबर आप आई है फाइव, फाइव माइनस वन अपॉन टू बराबर दो बाई। निम्न अर्ध के लिए बाई की संख्या, निम्न अर्ध में बाई की संख्या यहाँ पे एम बी प्लस हो जाएगा, एम बी प्लस वन अपॉन टू, एम बी का अर्थ है नंबर ऑफ बाई, तो फाइव प्लस वन अपॉन टू, सिक्स अपॉन टू थ्री, थ्री बाई हो जाएगा इसमें। राउंड की संख्या जितने दो के पावर बनेंगे, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, चार राउंड। मैच की कुल संख्या n माइनस वन, इलेवन टीम है, दस मैच। अब हमें फिक्सर सेट करना है, सबसे पहले हमें यहाँ बाई सेट करना है, पांच बाई सेट करना है, तीन निम्न अर्ध में और दो ऊपरी अर्ध में। सबसे पहले बाई हम सेट करते हैं निम्न अर्ध से, निम्न अर्ध की सबसे नीचे की टीम को फर्स्ट बाई देंगे, फिर सेकंड बाई ऊपरी अर्ध की सबसे ऊपर की टीम को, थर्ड बाई देंगे निम्न अर्ध की ऊपर की टीम को, फोर्थ बाई देंगे हम ऊपरी अर्ध की सबसे नीचे की टीम को, और जो हम फिफ्थ बाई देंगे फिर से नीचे आ जाएंगे निम्न अर्थ के नीचे की टीम को। तो इलेवन को बाई मिल चुका है, तो हम टेंथ को देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड सेट हो गया, जिस टीम को बाई दिया गया फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलेंगी। बाई का अर्थ होता है डमी टीम के रूप में, यह मान लिया जाता है। अब इसमें दो और तीन में मैच होगा, सपोज करिए दो नंबर की टीम जीत गई, चार पाँच में ये चार नंबर की टीम जीत गई, आठ और नौ में मैच हुआ तो ये नौ नंबर की टीम जीत गई। इस तरह से फर्स्ट राउंड में केवल तीन मैच हो रहे हैं। अब हम राउंड टू, राउंड टू में बाई टीम को भी हम ले लेंगे, जिस टीम को फर्स्ट राउंड में बाई मिला है। वन और टू में मैच हुआ, सपोज चलिए कि टू नंबर की टीम जीत गई, फाइव और सिक्स में मैच हुआ तो ये सिक्स नंबर की टीम जीत गई, सेवन्थ और नाइन्थ में मैच हुआ तो ये नाइन नंबर की टीम जीत गई, टेंथ और इलेवंथ में मैच हुआ तो ये इलेवन नंबर की टीम जीत गई। ये सेकेंड राउंड का है, जो टीम हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में दो नंबर की टीम और सिक्स नंबर की टीम में मैच हुआ तो दो नंबर की टीम जीत गई, नाइन्थ और इलेवन में मैच हुआ तो ये इलेवन नंबर की टीम जीत गई, बाकी की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। फोर्थ राउंड या अंतिम राउंड जिसे हम फाइनल कर सकते हैं, इसमें दो और ग्यारह नंबर की टीम में मैच हुआ तो सपोर्ट करके ग्यारह नंबर की टीम जीत गई, तो ग्यारह यहाँ लिखने के बाद हम विजेता लिख देते हैं, यानी ग्यारह नंबर की टीम टूर्नामेंट में विनर रही, विजेता रही। अब मैच हम गिन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, यहाँ पे हम विजेता लिख देंगे। इस तरह से हमारे मैच हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, ये इलेवन नंबर की टीम हमारी विजेता हो गई, विनर हो गई। इस तरह से हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर्स बनाते हैं।